स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टेकिंग द टॉपिक सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। द सिल्क रूट आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रूट जो है एक गुड एग्जाम्पल्स है। थ्रू दिस रूट्स द ट्रेड एंड कल्चरल लिंक between distance part of the world was taking place। Silk route के माध्यम से Silk route एक ऐसा example है जिस पर trade और cultural link जो था वो दुनिया के different parts में ये Silk route के माध्यम से ही पहुँचे। Cultural link और trade जो था वो Silk route के माध्यम से ही वहाँ पहुँचे। The name Silk Route points to the importance of westbound Chinese silk cargo along this route। ये इसका नाम Silk Route इसलिए पड़ा और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो Chinese silk था वो इस रूट के माध्यम से ही दुनिया के दूसरे पार्ट्स में जाता था। Historians have identified several silk routes over the land and the by sea। और इतिहासकारों ने भी बहुत सारे सिल्क रूट जो है वो ईजाद किए सिल्क रूट के माध्यम से जो है कल्चरल लिंक्स और ट्रेड होता था। हिस्टोरियन ने भी इसको आइडेंटिफाई किया सिल्क रूट को लैंड के ऊपर सी के ऊपर जो ना केवल एशिया के बड़े हिस्सों को निटिंग करते थे जोड़ते थे बल्कि इट आल्सो लिंक एशिया विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। बल्कि ये सिल्क रूट जो था एशिया को यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका से भी जोड़ते थे। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा। ये जो है सिल्क रूट जो है क्रिश्चियन एरा से पहले भी मौजूद थे एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। और लगातार 15th सेंचुरी तक इससे व्यापार और कल्चरल लिंक जो है वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में कनेक्टेड होते रहे। बट चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रैवल्स द सेम रूट। लेकिन चाइनीज पॉटरी भी जो थी वो सेम रूट से ही जाती थी सिल्क रूट से ही जाती थी ट्रैवल करती थी। यानी कि चाइनीज के जो चीनी मिट्टी के सामान था वो सेम रूट से ही जाता था एज डिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया। और इसी रूट से जो है इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से टेक्सटाइल्स और मसाले भी जाते थे। और इन रिटर्न बदले में जो था प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर जो थी दे आल्सो फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। और बदले में जो है जो स्पाइस टेक्सटाइल्स और चाइनीज पॉटरी के बदले जो एशिया में जो यूरोप का गोल्ड एंड सिल्वर था वो प्रीशियस मेटल जो थी कॉस्टली मेटल जो थी वो भारत में आती थी। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। ट्रेड और कल्चर लिंक एक्सचेंज जो था वो साथ साथ चलता रहा। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रेवल्ड दिस रूट टू एशिया। और जो क्रिश्चियन मिशनरी थी वो सर्टेनली सिल्क रूट से ही एशिया में आई उन्होंने ट्रेवल किया एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स ए फ्यू सेंचुरी एगो। और जिस रूट से सिल्क रूट से मुस्लिम प्रीचर भी ये माना जाता है कि कुछ सेंचुरी पहले इसी रूट से आए थे। मच बिफोर ऑल दिस इससे भी काफ़ी पहले बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया। बुद्धिज्म जो थे जो ईस्टर्न इंडिया से इमर्ज हुए थे एंड दे स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द सिल्क रूट। और सिल्क रूट पर जो डिफरेंट इंटरसेक्शिंग पॉइंट थे वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में बुद्धिस्ट रिलीजन जो था बुद्धिज्म जो था वो डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हुआ।